देख सकते हैं, मैंने सुबह आज की हरियाली थी तो मैंने किया शिव और पार्वती का पूजन। मैंने छोटी अंगूठी के बराबर में साइज की शिवलिंग घर में ला के रखी है, तो मैं बच्चा दूध निकाल लेती हूँ भोलेनाथ के लिए। और फिर मैंने, आप देख सकते हैं, सबसे तिलक वगैरह लगाया और पूरी और खीर बनाई थी मैंने आज। छोले बनाए थे बच्चों के टिफिन के लिए, तो छोले तो इसलिए नमक में मिर्ची का भोग लगाते हैं शिव जी को, तो मैंने पूरी और खीर का भोग लगाया और घेवर थोड़ा सा भोग लगाने के लिए घेवर भी लेकर आए, तो घेवर का भी भोग लगाया। कुछ फ्रूट बच्चों के लिए मैं रखती हूँ तो फ्रूट भी मैंने चढ़ाया, बेलपत्र और अपराजिता के इतने ढेर सारे फ्लावर मुझे मिल गए थे मेरे गार्डन से। मैंने गणेश जी को भी चढ़ाए और भोलेनाथ को भी मैंने अपराजिता दूध और अपराजिता का फूल और दूध बेलपत्र के पत्ते चढ़ाए। मेरे को ये प्लेट में छोटी सी है, इसमें मैं अपने भोलेनाथ की शिवलिंग को नहलाती हूँ और फिर उनका टीका वगैरह लाल चंदन से करती हूँ उस तरह से त्रिकुंड बनाकर। और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बहुत ही अच्छे से अपना पूजन संपन्न किया। फिर उसके बाद मैं, आप देखिए इधर मैंने उनको फल चढ़ाए और इस तरह से आप फूल जरूर चढ़ाना होता है हरियाली तीज के दिन, क्योंकि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो उसका एक पार्ट तो हम उनको भी समर्पित कर सकते हैं। और फिर ये मैंने दीप जलाया और दीप जलाते समय हमेशा शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते, इस मंत्र का उच्चारण करना अवश्य जरूर करें और भूल लेना। और मैंने कुछ पैसे भी भगवान के आगे चढ़ाए, हमारे पास जो भगवान ने हमें दिया है उसमें से सब कुछ हमें थोड़ा थोड़ा अर्पण करना चाहिए भगवान को, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, हम तो किसी लायक नहीं। जो कुछ है हम भगवान की जैसे हैं और माता पार्वती और शिव जी का पूजन किया जाता है आज के दिन, क्योंकि इनके पूजन से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और इस तरह से मैंने खीर का भोग लगाया भोलेनाथ को पार्वती को। आज के दिन हलवा पूरी और खीर का ही भोग लगाया जाता है, तो हलवा तो बच्चे नहीं खा रहे थे और इसके पापा को खीर पसंद है, तो मैंने आज उनके जैसे भी और भगवान के भोग लगाना था तो खीर बना दी। और फिर मैंने आरती की, और आरती करना ज़रूरी होता है, गणेश जी की आरती की पहले मैंने, फिर भोले बाबा की आरती की। इस तरह से मैंने पूजन संपन्न किया और फिर भोग वोग लगा दिया, पूजा हो गई मेरी अच्छे से, बड़ी ही शांति से मैंने पूजा की। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही मैंने पूजा की, क्योंकि जब तक बच्चे चले नहीं जाते स्कूल से, ये लक्ष्मी माता को भी अपराजिता का फूल बहुत प्रिय होता है, तो मैंने लक्ष्मी माता सरस्वती माता को भी अपराजिता का फूल चढ़ाया। मेरे गार्डन से ही मिले हैं ये सारे फूल मुझे सॉरी। और आप देख सकते हैं इधर भोले बाबा की स्टैचू नीलकंठ से लेके आए थे ये, और डमरू भी, तो ये भी मैंने इस पर स्थापित किया। मैंने आज इनका विशेष पूजन किया। इस वैसे आज लोग निर्जल व्रत करते हैं, लेकिन मेरा व्रत करना पॉसिबल नहीं था तो मैंने इनका पूजन ही किया, क्योंकि मेरे कोई शुरू से ही नहीं किया है मैंने, और हमारे घर में भी कोई नहीं कर रहा है तो फिर मैंने भी नहीं किया, लेकिन पूजा ज़रूर करती हूँ, मेरा डेली का नियम है पूजा करना। तो बिना भगवान की पूजा किए मेरे मुँह में एक अन्न का दाना भी नहीं जाता है, और मैं सुबह 8 बजे तक पूजा कर लेती हूँ। दीपक में बन रही है, आप देख सकते हैं ये शिवलिंग की जैसी आकृति बन रही है। मैं शिव जी का पूजन करती हूँ जब भी, और मेरी पूजा करने के बाद मुझे अलग अलग तरह की आकृतियाँ, शिव पार्वती का पूजन आज के दिन किया जाता है अपने पति की लिए, लंबी उम्र और अपने पति के स्वास्थ्य के लिए और अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के लिए।
आज के दिन शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें आज अलग ही तरह की आकृति बन रही है, जो ऐसी नहीं बनती है। इसके लिए आपका दिल साफ और दूसरों से द्वेष हमें दूर करना होता है। किसी के बारे में अहित नहीं सोचना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। जब हम सच्चे दिल से भगवान के आगे पूजन करते हैं तो इस तरह के भगवान हमें संकेत देते हैं कि वो हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और हमारे आसपास ही हैं। तो इस तरह में ये अंगूठे के बराबर की शिवलिंग ब्रजघाट उत्तर प्रदेश से लेके आई थी, तो इसका मैं अब डेली पूजन करती हूँ। और इस तरह से मेरे बड़ा ही कैसे हैं आप सब, हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देखिए भाई, ये मेरे एक बुके के अंदर आया था, फ्लावर बुके था, तो उसका जो मैंने बाहर का फ्रेम था उसको निकाल कर ये जो हमारी मूर्तियाँ स्टैचू खंडित हो जाती हैं तो उन्हें हम मंदिर में तरपते नहीं हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर डेकोरेट कर दिया अपने प्लांट के साथ। तो ये मेरी अपराजिता की बेल है, ऊपर तक जा रही है जो, और इसमें मैंने इसको फ्रेम को लगा दिया। और आप देख सकते हैं गणेश जी को इसमें स्थापित करके मैंने इसे स्टोन में कलर करके इस तरह से रख दिया है। कितना खूबसूरत कॉर्नर लग रहा है। इधर मेरा मनी प्लांट, जब मैं एक महीने के लिए चली गई थी तो बिल्कुल सूख चुका था। इसमें ज़्यादातर नहीं ग्रोथ, क्योंकि मैंने इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई और बारिश का पानी इसमें ऐड किया है। और कोकोपीट मैं इसमें ऐड करके गई थी तो मेरा मनी प्लांट बच गया। और भी कहीं बाहर जाएँ एक महीने के लिए तो अपने गमले में कोकोपीट ऐड करें। और ये देखिए मेरा स्नैक प्लांट, ये भी चीज है इसकी। बस अब आपको करना क्या है, जुलाई ख़त्म होते ही आपको अपने प्लांट की मिट्टी पर ध्यान देना है, उसकी मिट्टी कहीं टाइट तो नहीं है। इस तरह की लूज मिट्टी होनी चाहिए आपकी इस तरह की। तो आप उसको नहीं है तो उसको टर्निंग कर दें, गुड़ाई कर दें, तो उससे आपकी मिट्टी लूज हो जाएगी। नहीं तो आपका प्लांट मिट्टी अगर जम जाती है बारिश के बाद तो आपका प्लांट ख़राब होने की चांस रहते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये DIY मेरा, ये बहुत ही खूबसूरत DIY है। आप देख सकते हैं इसमें गमले, ये जो मेरी चादरें पुरानी हो जाती है, जल गई थी तो इसको मैंने कट करके, ये लोहे का स्टैंड था मटका रखने वाला, उस पर मैंने इसको कवर कर दिया और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांटर बन के तैयार हो गया। और ये देख रहे हैं आप, ये मैंने अपनी स्ट्रेचेबल लेगी जो आसन से घिस जाती हैं तो उसको मैंने ऊपर से भी थाई के ऊपर से कट कर ली। तो फिर इसको मैंने इस तरह से इसका ये मेरे बाल्टी के अंदर प्लांट लगाया हुआ है, मरुआ तुलसी कहते हैं इसे। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, एक प्लांट सेहत के नाम। आप देख सकते हैं मैंने अब मैं अपने गार्डन में कुछ मेडिसिनल प्लांट को ऐड कर रही हूँ जिससे उनके बेनिफिट भी हमें मिल सके। इससे मक्खी मच्छर स्नैक वगैरह नहीं आते हैं। इसकी पत्तियों को उबालकर उसके पानी से कुल्ला करने से आपके मसूड़ों के दर्द सूजन ख़त्म हो जाता है। और काफ़ी समय से लगा हुआ कीड़ा हो तो इसका पेस्ट बनाकर आप दांत में लगा मालिश कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। आप खुद देख सकते हैं, इस DIY को आप ट्राई करें। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। इसी में मैंने कुछ सीड्स डाल दिए थे रेन लिली के, आप देख सकते हैं ये सिर्फ बारिश में इसमें फ्लावर आते हैं। एक बार फ्लावर आने के बाद तो अभी एक बार इसमें आ चुके हैं फ्लावर, इसलिए अभी नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए, ये है मेरा गुलदाउदी, ये बहुत ही हल्का सा एक डंडी थी तो मैंने इसको ऊपर से इसकी कर दी इस तरह से पिंचिंग। आप जितना करेंगे अगस्त में आपको पिंचिंग करनी है प्लांटों की तो और ज़्यादा इसकी ब्रांचेज आएंगी और ये आपका जो प्लांट है वो बहुत बुशी और बहुत ही घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत ज़्यादा फ्लावर आएंगे इस पर। जितना आप इसकी प्रूनिंग करेंगे पिंचिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ्लावर मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने गुलदाउदी के प्लांट की अगस्त में ये केयर स्टार्ट की है। इसकी मिट्टी की कर दी है मैंने अच्छे से गुड़ाई, इसकी जो सॉइल है लूज होनी चाहिए। और अगर आपकी सॉइल टाइट है, इस तरह से लूज नहीं है तो आप। और ये देखिए मैंने इसमें मंजरी डाल दी थी, तुलसी के प्लांट भी आ रहे हैं छोटे छोटे। और इधर मैंने थर्माकोल का भी यूज़ लिया तो थर्माकोल में आप देख सकते हैं मेरा एलोवेरा कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इधर मैंने तुलसी का गमला रखा है इसको, तो मैंने इसको भी स्ट्रेचेबल जो एक पैंट थी वो बहुत पुरा नहीं क्या वो नई ही थी तो मैंने उसको वॉश करके अच्छे से और कट कर दिया और
गमला है सीमेंट का, तो सीमेंट के गमले पे आप इस तरह का कॉटन के स्ट्रेचेबल पैंट का जो कवर चढ़ाते हैं, तो उससे आपका गमला लंबे टाइम तक आपके पौधे को वैसा के वैसा बनाया रहेगा। ये मैंने तुलसी कटिंग से लगाई थी, आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ अभी भी हरी हैं और फ्रेश हैं, और बाकी के छोटे छोटे तुलसी के प्लांट भी इसमें आ गए हैं। और ये जो चुन्नियाँ हम माता की निकालते हैं, उन चुन्नियों को वेस्ट इधर उधर फेंकते हैं, तो इस तरह से अपने तुलसी के प्लांट को डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह का ये गमले रखने का, मटके रखने का स्टैंड था, तो इसको मैंने प्लांटर बना दिया। उसके नीचे मैंने दीपक रखने की जगह बना दी है, जिससे बारिश में भी हमारा दीपक यहाँ जल सकता है आसानी से, क्योंकि यहाँ पर बीच में सपोर्ट है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके ऊपर से पानी नहीं जाता है नीचे। ये प्लांट मेरे अपने आप उग गए हैं, इसमें भी ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। अगर आपको पता है कि ये किस चीज़ के प्लांट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मेरे को लग रहा है इंसुलिन के प्लांट भी कुछ इसी तरह के होते हैं, तो आप बताएं। और ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी की बेल, इसकी मैं पिंचिंग करती जा रही हूँ, क्योंकि इसको मैं बढ़ने नहीं देना है, सिर्फ मुझे इसे डेकोरेशन के DIY करना था मुझे, जो मेरा ये था। आप देख रहे हैं ये प्लांटर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये प्लांटर मैंने कैसे बनाया मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरा एक स्टूल था बाथरूम का, तो वो थोड़ा सा क्रैक था, तो मैंने उसमें से पानी का ड्रेनेज बन गया, तो मैंने इसको उल्टा करके उसके चारों ओर ये प्लास्टिक की जो पॉलीथीन है इसके अंदर कुछ, जब हमारे रूम का काम चल रहा था तो इसमें कुछ सामान आया था टाइल वगैरह का, तो मैंने इस, ये बड़ी प्यारी लगी मुझे पर्पल कलर की, तो मैंने इसका DIY बना दिया। इसको चारों तरफ से कवर कर दिया टेप से, और इस तरह से इसमें अमेरिस लिली को लगा दिया मिट्टी भर के। तो अब इसमें मेरे विंटर में आपने देखे थे कितने ढेर सारे फ्लावर आए थे, और इस पर मॉर्निंग ग्लोरी की बेल कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आप इस तरह से भी DIY कर सकते हैं अपने प्लांट के साथ। अब हम आ जाते हैं इधर, ये मेरी स्टील की चेयर थी जो टूटी हुई थी, इसको भी मैंने प्लांटर की तरह ऐड कर दिया। और इधर मैंने अपराजिता को हरा भरा बनाए रखने, इसके चारों ओर स्टोन ऐड कर दिया, जिससे इसकी मिट्टी में नमी बनी रहेगी और ओवरवाटरिंग भी नहीं होगी। और वायर की मदद से मैंने इसको चारों तरफ से गोलाई में इसकी वेल को इस तरह से शेप दे दी। और ये की रिंग मेरे पास पड़ी हुई थी, तो इसको मैंने पैरेट वाली की रिंग ऐड कर दी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और वेलकम बनाने के लिए मैंने 3 डोरियाँ इस तरह से ऐड कर दी इसमें। आप भी इस तरह से तार, अगर अपने गमले को टेरिस पर तार के पास रखते हैं, तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। वो गई रिमझिम बारिश शुरू। और ये देखिए मैंने छोटे छोटे ये जो दही के कप आते हैं, इनका भी यूज लिया इसमें, पोर्टू लगा लगा दिया है बहुत ही। और ये रेड प्लांट की कटिंग लगा दी है, ये देखिए ये हैं जो हमारे वॉशिंग पॉड आते हैं, लिक्विड आता है वो लिक्विड वॉशिंग पाउडर, उसके बॉक्स हैं ये। इसको भी मैंने नीचे से ड्रेनेज बना के होल कर दिया, और इसमें मिट्टी भर के स्नैक प्लांट लगा दिया, पोर्टुलका, जेड प्लांट। इधर देखिए, इधर भी मैंने लैगी से DIY किया है, उसको हाफ कट करके इस तरह से इसका कवर बना दिया सीमेंट के गमले का, ये प्लास्टिक के पॉलीथीन से, ये चादर से कवर बनाया है मैंने प्लांटर का। ये देखिए आज तीज पर लहरिया देख सकते हैं आप, लहरिया में की सलवार थी तो उसको भी कट करके मैंने प्लांटर का कवर बना दिया। इधर स्ट्रेचेबल येलो कलर कितना सुंदर लग रहा है, ये कॉटन का कपड़ा है। इन सब प्लांटों को मैंने इस तरह से अपने लैगी और सलवार के कपड़े से ही कवर इनके सारे तैयार किए हैं। ये देख सकते हैं आप, हिबिस्कस की कटिंग लगाई थी मैंने जो लग गई है, और इस मौसम में आप कोई भी कटिंग लगाएंगे जो आसानी से लग जाएगी। और ये देखिए इसमें भी मेरा जेड प्लांट कितना अच्छा बोनसाई बन गया है। और ये पोर्टुलका में मेरे बहुत अच्छे 9 o'clock फ्लावर, 9 बजते ही इनमें फ्लावर आने लगते हैं। इस पर भी मैंने जो बाकी के पार्ट बचे थे लैगी के, तो उसका भी मैंने छोटे वाले पॉट को इस तरह से कवर कर दिया है। और इसमें मैंने ये पर्सलिन है, इसमें रेड कलर का फ्लावर आता है, इसकी कटिंग लगाई थी और ये 1 week के अंदर मुझे तैयार मिली है, तो बहुत ही जल्दी लग जाती है ये। स्नैक प्लांट की कटिंग लगाएं इस मौसम में। और ये है वेलवेट फ्लावर, इसके तो ढेर सारे सीड्स, एक पौधे से आपको ढेर सारे सीड्स मिल जाएंगे और ढेर सारे प्लांट मिल जाएंगे आसानी से। तो अगस्त में आप ये पर्सलेन, पोर्टुलका, जेड प्लांट, स्नैक प्लांट, हिबिस्कस की कटिंग लगाना ना भूलें। और ये देखिए अपराजिता, इस तरह से मैंने सारे प्लांट तैयार किए। ये देखिए मेरा चंपा का प्लांट भी लग गया है,
और ये मरुआ, मरुआ का प्लांट इसमें नया निकल आया है। और ये देखिए सदाबहार, ये देखिए कटिंग से लगाए हैं सब मैंने। आप भी अपने इस अगस्त में प्लांट की सॉइल की करें टर्निंग, मिट्टी चेक करते रहें, पानी बिल्कुल नहीं डालते रहें, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। और अब मैंने इनको रख दिया है, पहले मैंने इनको शेड के नीचे रखा हुआ था, तो अब मैंने इनको शेड के बाहर रख दिया है, क्योंकि अब जो बारिश आएगी अगस्त में वो रिमझिम होगी और बहुत तेज़ वाली बारिश नहीं है, तो इसमें हमारे प्लांटर को हमें धूप भी देनी है और ये हल्की बारिश की फुहारें भी देनी हैं। तो इसलिए इस तरह से मैंने अपना DIY तैयार किया। एक और DIY मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आप पहचान सकते हैं कि ये है किससे बनाया होगा मैंने। ये बच्चे जूते पहनते हैं तो उनको बाहर बैठने में दिक्कत होती थी, तो मैंने उनके लिए एक टफ़ी तैयार कर दी DIY से। आप देख सकते हैं ये एक तेल का पीपा था जो बहुत ही मजबूत है, इसको मैंने एक टी शर्ट, बच्चों की जो पुरानी टी शर्ट हो जाती हैं उससे कवर कर दिया नीचे से। और ये मेरा एक पर्स है, ये डबल बहुत ही सॉफ्ट है, पुराना था ये, तो इसको इसकी कुछ चेन वेन कुछ पार्ट ख़राब हो गए थे, तो इसको मैंने सीट बना दिया इसके ऊपर ढक के इस तरह से। और फिर इस पर मैंने ये जो मेरे बच्चों के बेबी स्ट्रोलर की गद्दी थी ये रख दी, और इस पर आराम से बैठ जाते हैं, मैं भी बैठ जाती हूँ, ये देखिए। और ये बिल्कुल टूटता भी नहीं है, बहुत ही सॉलिड है। तो ये DIY भी आप ट्राई कर सकते हैं, कभी बाहर कुछ बैठने के लिए अचानक से तैयार करना हो तो इस तरह का DIY भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको मेरे DIY के आइडियाज़ कैसे लगे, और इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहें। और मैं आपको दिखा देती हूँ अलवर का मौसम, वो देखिए पहाड़ों पर रिमझिम बारिश हो रही है और बादल नीचे उतर आए हैं। इधर भी देख सकते हैं पहाड़ों का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत है। आज हरियाली तीज है तो आप देख सकते हैं, और हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी आपको अलवर राजस्थान में, ये देखिए। और आप, मैं दिखा देती हूँ आपको अपने गार्डन का नज़ारा, ये देखिए पॉटुला का कितना ढेर सारा लगाया हुआ है मैंने। अभी मैं दिखाती हूँ अपना गार्डन, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा अपराजिता, ये मैंने इसका वीडियो आपको पहले भी डाला था, इसमें आपने देखा था कि कभी एक छोटी सी बेल थी और इस पर कुछ ही फ्लावर आते थे, लेकिन मैंने इसको, अब मैं इसमें कम से कम 10-12 फ्लावर डेली हार्वेस्ट करती हूँ। तो वो कैसे हुआ, जैसे जैसे ये इसकी नई न्यू ब्रांचेज आती गई, मैंने उन सब के ऊपर से कर दी प्रूनिंग और कटिंग। जितना हम इस मौसम में अगस्त में अपने प्लांट की कटिंग और प्रूनिंग करेंगे ऊपर से, उतनी नई ब्रांचेज और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आते हैं। फ्लावर प्लांट की आप प्रूनिंग और कटिंग करना ऊपर से ना भूलें, फिर नई ब्रांचेज जल्दी से जल्दी आ जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आते हैं। मैंने गुलाब की भी कर दी है कटिंग और प्रूनिंग, आप देख सकते हैं न्यू ब्रांचेज आ गई हैं। तो ये मेरा गुलाब का ही प्लांट था, उसमें मैंने अपराजिता की बेल को चढ़ा दिया, तो ये मल्टी प्लांट बन गया और बहुत ही खूबसूरत लगेगा इस पर गुलाब और अपराजिता दोनों साथ में। और उधर है मेरा हिबिस्कस, ये हाइब्रिड वेराइटी है, इसमें रोज़ जैसा फ्लावर आता है। ये भी बहुत हल्का था, पतली सी डंडी थी, इसकी भी मैंने प्रूनिंग और कटिंग की अगस्त जुलाई अगस्त में, तो आप देख सकते हैं अब कितना बुशी हो चुका है। और इधर देखिए आप मेरे चिली के प्लांट, इसमें भी ढेर सारी चिली आने लगी हैं और कितना घना हो गया है। और इधर देखिए ढेर सारे कड़ी पत्ता के प्लांट अपने आप ही लग गए हैं, ये देखिए ढेरों कड़ी पत्ता के प्लांट देख सकते हैं आप। ये देखिए मोगरा, ये बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल भी नहीं बचा था, और आप फिर से इसको देख सकते हैं कितना हरा भरा हो गया है। इसकी भी मैंने प्रूनिंग और कटिंग की थी। और सबसे ज़रूरी बात है जुलाई अगस्त में मिट्टी की गुड़ाई करना, क्योंकि जब तेज़ धूप आती है बारिश के बाद तो मिट्टी को सख्त कर देती है, और आप थोड़ा सा गहरा अच्छे से उसकी गुड़ाई करें, कंटिन्यू उसकी मिट्टी चेक करते रहें। हमारी जो सॉइल है वो टर्निंग सॉइल होनी चाहिए, एकदम लूज सॉइल होनी चाहिए, टर्निंग करना है उसमें। और ये देखिए इधर ये है चिली प्लांट, इसमें भी आप देख सकते हैं ढेर सारी चिली आने लगी हैं और कितना घना हो गया है। उधर भी एक मैंने चिली प्लांट लगाया हुआ है, उसके बाद देख सकते हैं ढेर सारी चिली आ चुकी हैं। और इस तरह से आप मेरा गार्डन कॉर्नर देख सकते हैं, ये देखिए सारे प्लांट। ये रोज़ बहुत पुराना है, इसमें भी ये भी बिल्कुल सूख चुका था, इसकी मैंने कर दी कटिंग और प्रूनिंग, तो इसमें भी न्यू ब्रांचेज आ गई हैं। और ये आप देखिए, ये है अरेलिया का प्लांट, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है,
ये भी आप जुलाई अगस्त में इसकी कटिंग लगा सकते हैं और बहुत ही सुंदर प्लांट है, डेकोर प्लांट है, इंडोर आउटडोर कहीं भी लगाएं। और ये है प्लांट, ये तो कटिंग से आसानी से लगने से आसानी से लग जाता है और एक वीक के अंदर आपको इसकी रूट नीचे जड़ें भी दिखाई दे जाएंगी और बहुत ही सुंदर लगता है डेकोर प्लांट है। इधर इसी के साथ लगाया हुआ है ये सिंगोनियम, देख सकते हैं आप ये सिंगोनियम की पत्तियाँ कैसी खूबसूरत हैं। ये भी एक डेकोर प्लांट है, इसे भी इंडोर आउटडोर कहीं भी कटिंग से लगाया जा सकता है आसानी से। तो ये सही मौसम है इस समय आपकी कटिंग लगाने का। और वो देखिए मेरा रेन लिली में येलो फ्लावर आ गया है और उसमें ढेर सारे कड़ी पत्ता और मैरी गोल्ड का प्लांट भी लग गया है अपने आप। उधर दिखाती हूँ मैं आपको अशोक का प्लांट, आप देखिए ये बिल्कुल इस जड़ इसमें नाउम्मीद हो चुका था और ये पूरा सूख चुका था। इसकी मैंने इसमें मैंने फर्टिलाइज़र ऐड किया, इसमें अप्रैल में मैंने फर्टिलाइज़र डाला था वाटरमेलन और एलोवेरा और अपना किचन वेस्ट से बनाकर पानी में भिगोकर ओवरनाइट। और तो आप देख सकते हैं इसमें कितने ढेर सारे पत्ते आए हैं और ऊपर से मैंने इसकी कर दी थी प्रूनिंग और कटिंग, तो बहुत ही बुशी हो गया है ये छोटा सा ही प्लांट। और मेरी लिली को तो आप देख ही सकते हैं इसमें विंटर में ही फ्लावर आते हैं। इधर मैंने वेलवेट फ्लावर के कुछ प्लांट लगा दिए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं विंटर में। और ये देखिए गुलदाउदी और ये देखिए आप गुआवा प्लांट, ये बिल्कुल एक पतली सी डंडी थी और आप देख सकते हैं अब इसमें नई नई कितनी सारी ब्रांचेस निकल गई हैं और न्यू लीफ भी आ रही हैं। ऊपर से मैंने इसकी प्रूनिंग और कटिंग की थी और गुड़ाई की थी। तो आपको अगस्त में क्या करना है, प्रूनिंग कटिंग और गुड़ाई, और अभी आपको कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। फर्टिलाइज़र आपको सिर्फ अप्रैल मई और जून में ही डालना होता है। अब आपके प्लांट में सिर्फ आपको डालना है तो गोबर की खाद डाल सकते हैं और कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, तो उससे आपके प्लांट हरे भरे और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी प्लांट में। इधर देखिए ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये है मैक्सिकन पिटूनिया, इस पर पर्पल फ्लावर आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और इधर देखिए अपराजिता का